दिल्ली के मुख्यमंत्री अते आप सुप्रीमो केजरीवाल दे वल्लों वड्डे इल्जाम लाए गए ने। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार नू डेगण दी कोशिश की जा रही है, पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार नू गिराउण दी कोशिश कर रही है भाजपा। दस दिए कि केजरीवाल अज मोहाली पहुंचे सन जिथे लोक सभा कैंपेन की शुरुआत की गई है। तो इस दौरान अपने भाषण दे विच आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार नू डेगण की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी के विधायकों तक अप्रोच की जा रही है, उन्होंने फोन किए जा रहे हैं। तो दस दिए कि लोग सभा चोणों के लिए कैंपेन की शुरुआत करने पहुंचे सन आप सुप्रीमो केजरीवाल। इस दौरान संसद च भगवंत मान नाम से कैंपेन की शुरुआत की गई है। तो पंजाब के लोगों को अपील की गई कि 13 दे 13 लोग सभा सीटा जिता के आम आदमी पार्टी की झोली दे विच पाईयां जाण। तां इस दौरान इल्जाम जिहड़े ने भाजपा ते लाए ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार नू डेगण की कोशिश कर रही है। उन्होंने पंजाब की झांकियां रिजेक्ट कर दी रोज। अब ये पंजाब के अंदर सरकार गिराने के लिए रोज एमएलए को, कभी किसी एमएलए को अप्रोच करते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं जो पंजाब के लोगों की। इससे लड़ने के लिए आज अकेला भगवंत मान आपके लिए लड़ रहा है। भगवंत मान केंद्र सरकार से लड़ रहा है, इन बीजेपी वालों से लड़ रहा है, गवर्नर से लड़ रहा है। आपका बेटा, आपका भाई अकेले रोज रात दिन 24 घंटे आपके लिए लड़ रहा है। आप इसको अकेला छोड़ दोगे? इसका साथ नहीं दोगे? आज अगर आप 13-0 से इनको हरा दो, 13 की 13 सीटें इसको दे दो, तो ये 13 हाथ बनेंगे भगवंत मान के। ये 13 हाथ बन के दिल्ली के अंदर जाके बीजेपी से लड़ेंगे और केंद्र सरकार से लड़ेंगे। 13 एमपी लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर उठ के आपकी आवाज उठाएंगे, पंजाब की आवाज उठाएंगे।